नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज है शरद पूर्णिमा और इस दिन पूर्णिमा को, जैसे आपको पता है, ये शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इसका बहुत ही महत्व है हिंदू धर्म में, क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान धरती पर प्रकट हुई थी। 14 रत्नों में से एक रत्न माँ लक्ष्मी भी थी, जिनकी प्रकट होने के बाद उनकी शादी करवाई गई थी भगवान विष्णु से। आज के दिन कहा जाता है कि अगर रात को हम खीर बना के रखते हैं चांद की रोशनी में, तो इस दिन जो चंद्रमा की भी पूजा होती है, रात को उसको जल देते हैं और कहते हैं इस दिन जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन अगर हम खीर पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो कहते हैं अमृत बरसता है। इस दिन अगर खीर को रात को हम ढककर, मतलब छलनी से, जैसे जिससे आटा छानते या जो छलनी हम घर में रखते हैं, ताकि उसमें रोशनी जा सके चंद्रमा की, चंद्रमा की रोशनी जब उसमें जाती है तो उसमें अमृत बरसता है, उसके अंदर अमृत घुस जाता है। और ऐस खीर का भोग जब हम भगवान को लगाकर अगले दिन हम सभी मिलकर परिवारजनों के हर सदस्य खाता है, तो उसे मृत्यु प्रांत तक कभी कोई रोग नहीं होता। कहते हैं वो निरोगी हो जाता है, उसे कोई अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिल जाता है। तो चलिए हम उस खीर जो मैंने बनाई है वो आपको दिखा देती हूँ। रात के समय ये खीर बनाते हैं, क्योंकि आज शाम 7 बजे से पूर्णिमा लगी है 2021 में और कल शाम 8 बजे तक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने खीर बनाई है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी खीर है जो मैंने बना के रखी है। आप ये देखिए, ये खीर है हमारी, और क्योंकि इसमें चांद की रोशनी जाना अनिवार्य है, तभी वो अमृत इसके अंदर जाएगा और समाहित हो जाएगा। तो इसे मैं क्या करूं कि इसमें कीड़े मकोड़े भी ना लगे और ये खीर में चांद की रोशनी भी चले, इसलिए मैंने ये छलनी ली है और इस छलनी से इसे ढक दिया, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो इससे जो रोशनी है वो आर पार जा सकती है। और साथ ही साथ मैंने इसके चारों ओर एक हल्दी का घेरा बना दिया, ताकि चींटियाँ इस खीर के अंदर प्रवेश ना कर सके। चींटियाँ हल्दी से डरती है, तो जहाँ हम हल्दी की रेखा बनाते हैं वहाँ चींटियाँ उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो अब ये खीर तैयार है, इसे आप पूरी रात रखिए चांद की रोशनी में। अगर नहीं रख सकते तो 2-3 घंटे भी रख लेंगे, जब तक आप जगे हुए तब तक रखिए। और फिर सोते वक्त, जैसे 1-2 बजे, कई लोग 1-2 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते, तो उठा के फ्रिज में रख लीजिए। अगले दिन भगवान को सबसे पहले भोग लगाने के बाद फिर वो सारा परिवारजन ग्रहण कीजिए, इससे आपके सारे दुख कट जाएंगे। जितनी भी पीड़ा है या कोई बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर वैंसर, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा तो मान्यता है, हिंदू धर्म में कहा गया है। चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।